नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर। ग्रेड पे को लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, पुलिस कर्मियों में ग्रेड पे को लेकर आक्रोश दिखाया। 4,800 की जगह 2,800 का ग्रेड पे किया गया है प्रस्तावित। तो ऐसे में ग्रेड पे में कटौती को लेकर आक्रोशित हैं सभी पुलिसकर्मी। बढ़ते विरोध को देखते हुए सीएम ने कमेटी बनाई है। कमेटी में अपर सचिव, वित्त सचिव समेत डीजीपी शामिल हैं। तो ग्रेड पे को लेकर पुलिसकर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है। देहरादून से एक खबर, ग्रेड पे को लेकर प्रशासन में घमासान मचा हुआ है। तो पुलिसकर्मियों में ग्रेड पे को लेकर आक्रोश दिखा है। 4,800 की जगह 2,800 का ग्रेड पे प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कटौती को लेकर सभी पुलिसकर्मी आक्रोशित हैं। तो बढ़ते विरोध को देखते हुए सीएम ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी में अपर सचिव, वित्त सचिव समेत डीजीपी शामिल होंगे। तो इस वक्त की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ते कोरोना का असर देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश भर में, लेकिन इस बीच ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर देहरादून से, सीएम तीरथ सिंह रावत सिनर्जी अस्पताल पहुंचे। कोविड मरीजों को सुविधाएं जो मिल रही है उनका जायजा लिया है सीएम ने। तो बता दें, सीएम ने अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कृष्ण से बातचीत की है। बातचीत में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना चेकअप भी करवाया। सीएम तीरथ सिंह रावत के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिस्ट वहां मौजूद रहे और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब सिनर्जी अस्पताल पहुंचे थे। सीएम तीरथ सिंह रावत और उनके फिजिशियन इस दौरान उनके साथ रहे, डॉक्टर एनएस बिस्ट। और वहीं ऋषिकेश के एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद है। बता दें, मरीजों के इलाज के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गई और सामान्य रोगी टेलीमेडिसिन ओपीडी के जरिए डॉक्टरों से राय ले सकेंगे। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संस्थान ने यह फैसला लिया है। तो सामान्य रोगियों के लिए ये बेहद अच्छी सुविधा, टेलीमेडिसिन ओपीडी के जरिए डॉक्टरों से राय ले सकेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऋषिकेश से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषिकेश के एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद होने से मरीजों के इलाज के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू हुई है। तो सामान्य रोगियों के लिए टेलीमेडिसिन ओपीडी के जरिए डॉक्टरों के जरिए राय ली जाएगी और ऐसे में कोरोना के जो संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया है संस्थान की तरफ से। ये जो फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं इससे राहत जरूर मिलेगी। खबर देहरादून से ही, कर्नल अजय कोठियाल शहीद स्थल पहुंचे। आप पार्टी में शामिल होने के बाद कचहरी परिसर के शहीद स्थल कर्नल ने शहीद आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित किए, यहां पर श्रद्धांजलि दी है और शहीदों ने सीने पर गोली खाकर अपनी मिट्टी के लिए बलिदान दिया। शहीदों का 20 साल पुराना सपना पार्टी के सहयोग से पूरा होगा, ऐसा कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है। देहरादून से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कर्नल ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीदों को लेकर कहा, शहीदों ने सीने में गोली खाकर अपनी मिट्टी के लिए बलिदान दिया। शहीदों का 20 साल पुराना सपना पार्टी के सहयोग से पूरा होगा। तो आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कचहरी परिसर के शहीद स्थल पहुंचे। शहीद देखे थे, मेरे को खुद दो गोलियां लग रखी हैं। कहते हैं जिस दिन मतलब कभी ना कभी हमने भी जाना है, जिस दिन हमारे को जलाया जाएगा तो उस दिन टन टन करके वो नीचे गिरेंगे।
लेकिन ये तो वो वाले शहीद हैं जिन्होंने बगैर फौज में रहे इस उत्तराखंड को बनाने के लिए गोलियां खाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। इनको तो कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके सामने खड़े होकर खाली हम ये कमिटमेंट दे सकते हैं कि वाकई में हम भी आंखों में आंख मिला करके जो सपना 20 साल पहले बनाने के लिए इन्होंने एक प्रयत्न करा था और अपना बलिदान दिया था उसको कहीं ना कहीं पूरी भावना के साथ में, जज्बे के साथ में, समझदारी के साथ में और नए टेक्निकल तरीके के साथ में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट लेकर के पूरी मदद के साथ में पूरा करने की कोशिश नहीं रहेगी, यकीन करा जाएगा। पौड़ी में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना की चपेट में आए हैं नर्सिंग कॉलेज के 37 छात्र। बता दें इन छात्रों को कॉलेज के ही कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया है। पौड़ी में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और कोरोना के खतरनाक संक्रमण में छात्र इनसे नहीं बच पा रहे। बता दें कि श्रीनगर मोटर मार्ग पर स्थित नर्सिंग कॉलेज में 37 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सभी छात्रों को कॉलेज में ही आइसोलेट कर दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि कुछ दिनों पहले नर्सिंग कॉलेज में 3 छात्राएं और 1 स्टाफ मेंबर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने आगे बताया कि पहले कॉलेज में कोविड केयर सेंटर का संचालन हुआ था और यहां पर आइसोलेशन की पर्याप्त व्यवस्था भी है, इसीलिए सभी छात्रों को यहीं पर रखा गया है। साथ ही कॉलेज प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि छात्र छात्राओं को दवाइयों समेत खान पान की उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए, साथ ही पीपीई किट पहनकर ही छात्रों को पौष्टिक भोजन मुहैया करवाएं और समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से इन सभी छात्रों की मॉनिटरिंग भी की जाए। चूंकि अभी लगभग 3 दिन पहले हमारे द्वारा सैंपलिंग किया गया था सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत होने पर, तो लगभग 100 बच्चों का हमने सैंपल लिया था, उसमें से 37 बच्चे जो है वो पॉजिटिव आए हैं, कल उनकी रिपोर्ट आई है। तो बच्चों को हमने उसी समय ही आइसोलेट कर दिया था, जो सिम्टोमेटिक थे उनको अलग कर दिया था, जो सिम्टोमेटिक थे उनको अलग कर दिया था और दवाइयाँ भी उनको हमने समय से उपलब्ध करा दी थी अपने टीम के माध्यम से। और जब से कल रिपोर्ट आई है पॉजिटिव की, तो उन पॉजिटिव को बिल्कुल अलग आइसोलेट कर दिया गया है और नेगेटिव को अलग कर दिया गया है, उनसे अलग आइसोलेशन में रखा गया है और उनको जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध करा दी गई हैं। उसमें जो नेगेटिव हैं बच्चे वो अपने घर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, घर जाने के लिए अलाउड है उनको, और पॉजिटिव को यहीं पे ही रखा जाएगा। खाने की व्यवस्था है, मैस चल रही है और जो मैस से जो भी लोग खाना जाते हैं उनको बता दिया गया है कि किस तरीके से खाना देना है, पीपी किट उनको प्रोवाइड करा दी गई है ताकि पीपी किट पहन के बच्चों को खाना भी उपलब्ध करा सके। संवाददाता मुकेश बचेती पौड़ी से हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, 37 छात्र को आइसोलेट किया गया, ऐसे में अगर हम आगे की अपडेट जानना चाहें किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पौड़ी से सटे जो नर्सिंग कॉलेज है वहां पर जो सैंपलिंग हुई थी उसमें 37 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाए गए थे, जिनको कॉलेज में ही आइसोलेट किया गया है क्योंकि इससे पहले जो ट्रिपल सी वो सेंटर वहां पर बनाया गया था अब वहां पर संचालित हो रहा है, ये कॉलेज संचालित हो रहा है, इसलिए पूरी सुविधाएं वहां पर मुहैया है। इसलिए जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उन्होंने इन सब बच्चों को उसी सेंटर पर आइसोलेट कर दिया है। और जो सुविधाओं की बात की जाए तो फिलहाल अभी हालात पौड़ी जनपद की बात की जाए तो काबू पे है, काफी यहाँ पर सारी सुविधाएं मरीजों को लेकर मुहैया कराई जा रही है। और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से बताया गया है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है फिलहाल, हालांकि 150 के करीब लगातार डेली केस यहाँ पे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ठीक है, बहरहाल मुकेश अगर हम पौड़ी की स्थिति जानने की कोशिश करें आंकड़े क्या है? अभी आज की बात करूं तो आज 80 केस जनपद पौड़ी में सुबह का जो अपडेट है उसमें 80 केस आ चुके थे। जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 900 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उन्होंने कहा है कि पूरी सुविधाएं यहां पे हैं, ऑक्सीजन की बात की जाए, बेडों की बात की जाए, चाहे आइसोलेशन की बात की जाए, उस सभी की सुविधा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और हरिद्वार से खबर, मेलाधिकारी दीपक रावत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। बता दें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यहां के वैज्ञानिकों ने प्लांट के बारे में जानकारी दी। वेस्ट वाटर प्लांट 4 घंटे में 1700 लीटर पानी शोधित कर सकता है, तो शोध किए गए पानी को गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट प्लांट को कम जगह में स्थापित किया जा सकता है। तो उद्घाटन में वैज्ञानिक मुकुंदन, उपमेलाधिकारी समेत वेस्ट प्लांट ट्रीटमेंट एक्सपर्ट मौजूद रहे।
अबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ये एसटीपी कुमेले को दिया गया है और ये 15 केएलडी इसकी कैपेसिटी है। इसकी अच्छी बात यह है कि जो पारंपरिक एसटीपीज होते हैं उसके मुकाबले एक तो बहुत कम जगह घेरता है और एनर्जी एफिशिएंट भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें काफ़ी कम है। और कुंभ मेले को वर्तमान में ये दिया गया है तो अभी तो फिलहाल इससे हमने बैरागी कैंप में स्थापित किया है, जहाँ पे कि टेम्प्रेरी जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उसका जो सीवेज है वो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन बाद में इसको हम किसी परमानेंट कॉलोनी में शिफ्ट कर देंगे। और अभी हमारे जो एक्शन साहब जल संस्थान के, उन्होंने बताया कि हम इसे ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पे कि 40-45 परिवार अगर रह रहे हों तो ये अच्छा काम करेगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि बार्क ने हमें आश्वासन दिया है कि एक साल तक वो इसको मेंटेन भी करेंगे, तब तक हमारे जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं या अन्य हमारे वर्कर्स हैं वो इसका संचालन सीख लेंगे और आने वाले समय में ये हरिद्वार के काम आता रहेगा। देखिए भाभा परमाणु हरिद्वार से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट को कम जगह में किया जा सकता है। बता दें जो पानी शोधित किया जाएगा उसका इस्तेमाल गार्डनिंग में किया जा सकेगा। इस तरीके से पानी को एक तरीके से सेव किया जा रहा और वेस्ट वाटर प्लांट 4 घंटे में 1700 लीटर पानी को शोधित कर सकता है। और मेलाधिकारी दीपक रावत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ये उद्घाटन किया है। और वहीं डोईवाला में बुल्लावाला गांव के जंगल में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें आग लगा रहे 2 आरोपियों को पाक स्टाफ ने पहचान कर ली उनकी और दोनों आरोपियों के खिलाफ वन कर्मियों ने थाने में तहरीर भी दी है। तो डोईवाला में टाइगर रिजर्व बुल्लावाला गांव के पास जंगल में आग लगने का मामला सामने आया, जहां पार्क स्टाफ ने गश्त के दौरान 2 आरोपियों को आग लगाते हुए देखा। स्टाफ की ओर से 1 आरोपी की पहचान कर ली गई है जबकि दूसरे का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि दोनों आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। इस मामले में फॉरेस्टर ब्रह्मानंद सती का कहना है कि जब वो पार्क क्षेत्र में गश्त कर रहे थे उस समय जंगल में धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया था और मौके पर पहुंचने पर 2 आरोपियों को आग लगाकर मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए देखा गया था। स्टाफ को देखने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए जबकि 1 आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी की पहचान अफजल के रूप में हुई है और दूसरे आरोपी की पहचान की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन कर्मियों ने डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी है। जो हमारी होती है उस गश्त में था तो गश्त से वापस आ रहे थे ये लोग, तो इनको रास्ते में सड़क से नीचे धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो स्टाफ जो है उस धुएं की तरफ गया कि कहीं आग तो नहीं लग गई जंगल में, किसने आग नहीं लगा दी। जैसे ही वहाँ धुएं के पास में पहुँचे तो अफजल नाम का एक व्यक्ति है यहाँ बुल्लावाला गाँव का, ये वहाँ जो है इसने धुआं कर रखा था एक लूप पे और मधुमक्खियों के छत्ते को उड़ा रहा था। अच्छा। और ये जैसे उस नजदीक पहुंचे मधुमक्खियां सारी इन पे चिपट गई। अच्छा। और चिपट गई तो उसने मौके का फायदा देखा, वो वहां से ये दो अपने मक्खियों को झाड़ने में रह गए और वो वहां से अपने फरार हो गया, भाग लिया। और सलग से खबर, जंगलों की आग को लेकर वन विभाग ने कमर कस ली है। टांडा रेंज के जंगलों में रोजाना आग की घटनाएं सामने आ रही है। आग के कारण जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है। ऐसे में लालकुआ में टांडा रेंज के जंगलों में रोजाना कहीं ना कहीं आग लगती नजर आ रही है और ये आग लगने की लगातार घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसके चलते जंगल के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके मद्देनजर वन विभाग लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जंगलों में आग की घटनाएं थम जाएं, पर वन विभाग की कोशिशें आग बुझाने को लेकर कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। तो वहीं रेंजर अजय लिंगवाल टांडा रेंज ने बताया कि हम एक नई पहल के साथ आग बुझाने का काम कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर जैसे ही कहीं जंगल में आग लगती है हम वहां तुरंत ही पहुंच जाएंगे और आग पर काबू पा सकेंगे। अभी जैसा हम देख रहे हैं मौसम पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म और जो है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जो है कम है, तो ये आइडियल जो है सिचुएशन होती है या स्थिति होती है वनाग्नि भड़कने की या किसी भी प्रकार की अग्नि की जो है घटना के लिए।
तो वन विभाग की ओर से सर्वप्रथम जो है प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र में एक एक क्रू स्टेशन, फायर क्रू स्टेशन स्थापित किया गया है, जहां पे फायर वॉचर्स हमने जो है नियुक्त किए हैं, और साथ ही साथ जो है जनता में भी जन जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है कि जलती हुई सिगरेट, बीड़ी इत्यादि जो है आप जंगल में चलते राह चलते ना फेंकें, अपनी जो भी इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं जो है आपके संज्ञान में आती हैं वो तुरंत से तुरंत अपने जो है नजदीकी वन विभाग कर्मी को या फिर जो है दफ्तर में दें। समय समय पे एक जो मॉकड्रिल जैसा करते हैं उसमें अन्य विभागों का भी जो है एक समन्वय स्थापित करके एक कोशिश की जाती है, प्रयास की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम विभागों को इन्वॉल्व करके और जो है कम से कम समय में जो है किसी वन अग्नि इंसिडेंट पे कैसे काबू। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मसूरी से खबर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामना है। देहरादून में बनाया जाएगा 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर। प्रदेश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, मंत्री का यह बयान सामने आया है। जानकारी मिली एक हॉस्पिटल यहाँ पर अरिहंत, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही थी। जैसे मुझे जानकारी मिली मैंने पूरे स्टेट का डाटा इकट्ठा किया, जितनी ऑक्सीजन हम बना रहे हैं उसका मात्र 20% भी नहीं हमारे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सारी जो है बाहर जा रही है। उसका कारण एक तो इन लोगों ने पहले डिमांड नहीं की। आज उदाहरण के लिए जो IGL है वो 145 टन बनाता है और सिर्फ हम 20 टन ले रहे हैं, बाकी जो है हरियाणा और UP जा रहा है। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को निश्चित किया है कि एक तो क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही है, इनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा, भारत सरकार से मैंने कहा जब हम बात करेंगे कि हमारा यहाँ का जो कोटा है वहाँ से निर्धारित होता है, उस कोटे को हम बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, अभी मैं CM साहब से मिलकर आया हूँ और CM साहब खुद इसकी चिंता कर रहे हैं और आने वाले समय ऑक्सीजन की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पर्याप्त ऑक्सीजन के पास। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया कि देहरादून में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की उन्होंने बात कही है। मसूरी से ही खबर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश सामने है। मसूरी के सरकारी अस्पताल में ICU सेवा को जल्द शुरू करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। अस्पताल में पार्किंग निर्माण के लिए CMO को तत्काल पत्र देने को भी कहा है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ICU वार्ड की काफी जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ICU शुरू नहीं हुआ। ऐसे में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हों, इसको लेकर मैंने आज DG हेल्थ, CMO और CMS मसूरी उनकी यहाँ पर बुलाया और उनको निश्चित किया कि मसूरी में हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, लेकिन वहाँ पर एनेस्थेसिया नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो दो डॉक्टर अभी के आदेश आपने अभी कर दिए हैं, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक एनेस्थेसिया कब वहाँ पर पहुँच जाएगा। और अभी जो डॉक्टर्स हमारे अपॉइंट हो रहे हैं उसमें गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसको हम वहाँ पर भेज रहे हैं। और दूसरा, मैंने कहा कि हमारा जो हमने ICU में बनाया है उसको तुरंत करना चाहिए, उसके लिए भी आपने आश्वस्त किया है कि मैनेजमेंट के माध्यम से, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ का होना उसमें बहुत जरूरी है कि जो 24 आवर्स वहाँ पर केयर कर सके, तो मेरी कोशिश होगी शीघ्र ही यहाँ से जो आवश्यकताएँ हैं हॉस्पिटल्स की वो पूरी करके ICU चालू।
हरिद्वार से खबर, राम नवमी के स्नान को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली। देश के कोने कोने से स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों समेत अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। बता दें प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है कि कुछ अखाड़ों ने कुंभ समापन की घोषणा कर दी है। बता दें कल रामनवमी का स्नान है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रामनवमी के स्नान को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। सभी घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। महाकुंभ में चौक चौराहों पर भी पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी तैनात की गई है। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हालांकि कुछ अखाड़ों ने महाकुंभ अपने कुंभ का समापन कर दिया है। समापन की घोषणा करने के बाद में ये हर की पौड़ी का नज़ारा है। हर की पौड़ी पर लगातार जहां पर अमूमन ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलता है, यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी मात्रा में होती है। लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन के बाद इसका असर हरिद्वार में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरिद्वार में भी लोग नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कल रामनवमी का स्नान है, उसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। लेकिन जैसे रामनवमी का स्नान होता है, तो उससे पहले एक दिन पहले श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचने लगते हैं। लेकिन जो हर की पौड़ी पर पसरा हुआ सन्नाटा, ये इक्का दुक्का लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कल स्नान करने के लिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें तमाम जो आने वाले श्रद्धालु को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर हरिद्वार में आना होगा। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, News1 India। जी बिल्कुल, हमने तीन शाही स्नान शांतिपूर्वक निकाले हैं। 12 और 14 वाला स्नान काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि कोविड के नंबर ऑफ केसेस भी हमारे बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी हमने बॉर्डर पे अपनी चेकिंग को काफ़ी तंदुरुस्त रखा था। बॉर्डर पे हमने ऑलरेडी लगा रखा है कि आपको RT-PCR चेक करा के आना है और आपको कुंभ मेला वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना है, तभी एंट्री मिल रही है। तो हमारे चेक पोस्ट पे भी काफ़ी मुश्तैदी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कराने के लिए वॉलंटियर्स हमारे रहेंगे, PRD जवान हैं, होमगार्ड्स हैं, इंश्योर करेंगे कि घाटों पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हों। सैनिटाइजर्स हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स बना रखे हैं, सैनिटाइजेशन पॉइंट्स बना रखे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कर रखा है कि हैंड वॉशिंग पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा कर दें और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो ऑलरेडी हमारे 23 सेक्टर में हमारा कुंभ मेला क्षेत्र जैसे डिवाइडेड है, हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, एक सर्किल ऑफिसर्स रहते हैं, तो सबकी ड्यूटीज़ ऑलरेडी ही इस्टेब्लिश्ड हैं। और अब तो इट हैज़ बीन फंक्शनिंग लाइक अ स्मूथ मशीनरी, जिनको सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ पता है। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे News1 India। नमस्कार।